अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं खीमे की अचारी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मैं इसको अक्सर बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। तो आज इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ मैं आपको। उसके लिए मैंने लिया है ये 400 ग्राम खीमा, ये हाथ का कुटा हुआ है खीमा। आलू बनाना हो या खीमे की खिचड़ी या खीमे की बिरयानी, तो उसमें हाथ का कुटा हुआ खीमा ही यूज करना चाहिए, उससे ये अच्छा टेस्ट आता है। कोफ्ते और कबाब बनाने हों तो उसमें मशीन का पिसा हुआ यूज करना चाहिए। तो हमने ये लिया है 400 ग्राम कीमा, आप बड़े का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। हमने ये मटन का लिया है। ये हमने लिए हैं 150 ग्राम आलू, ये दो मीडियम साइज के टमाटर, इनको रफली काट लिया है। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है हमने, इसको लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 3 हरी मिर्च ली है, इनके दो दो पीस कर लिए हमने। 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2.5 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच से कम हमने गरम मसाला लिया है। इसमें 4-5 काली मिर्च है, 3-4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और 1/2 चम्मच जीरा है। ये हमने अचारी मसाला लिया है, इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अचारी मसाला के नाम से। ये हमने 2 चम्मच लिया है, इससे खिचड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, अचारी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है इससे कीमे वाली। ये हमने आम का अचार लिया है, 1.5 फांक लिए हमने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अचार को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये हमने 1 मीडियम साइज प्याज ब्राउन कर ली है, इसको हमने हल्का सा कम ब्राउन किया है क्योंकि हमें इसे दोबारा घी में डाल के थोड़ा गर्म सी करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगी। अगर हम पहले इसको तेज कर लेते तो ये काली हो जाती। इसको हमने सरसों के तेल में ब्राउन किया है। अचारी खिचड़ी कीमे वाली जब बनाते हैं वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो उसे घी में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल को पहले अच्छे से जलाना पड़ता है, उसके बाद ठंडा करके जब उसको दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं हम। तो थोड़ी सी प्याज मैंने तेल में ही छोड़ दी है, 150 ml मैंने तेल लिया है सरसों का। ये 1 कटोरी मैंने उड़द की काली छिलकों वाली दाल ली है, इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। और 2 कटोरी मैंने कच्ची बासमती ली है चावल, इसको भी मैंने 1/2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये दोनों मिलाकर 500 ग्राम है। ये देसी घी चाहिए हमें, 2 चम्मच देसी घी डालेंगे हम लास्ट में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप न डालें। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट आप देख सकते हैं, ऑयल हमारा गर्म है। इसमें हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी, थोड़ी सी इसमें ही छोड़ दी है। इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं हमने लहसुन अच्छे से भून लिया है। इसमें अब हम डालेंगे कीमा। कीमा डालकर हम भून लेंगे इसको 2 मिनट के लिए। कीमा हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे हरे मसाले, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले और इसको 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे हम। ये हमने अच्छे से भून लिया है कीमा, इसको भूनते हुए ना 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये अचार ऐड करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसमें हम आलू भी ऐड कर देंगे। एक 2 मिनट चलाएंगे हम आलू डालकर, दाल ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हम चावल का 2 गुना पानी ऐड करेंगे इसमें। ये हमने पानी डाल दिया है इसमें। अब आप चाहे इसको ऐसे ही बिना ढक्कन लगाए कुकर का, बिना प्रेशर के बना सकते हैं पानी खुशक होने तक, या फिर आप इसमें 1 सीटी लगा सकते हैं, जब तक आपके जैसे भी चावल गलते हो 1 सीटी में 2 सीटी में। तो मैं इसको सीटी लगाऊंगी 1,
और फिर मैं इसको खोल दूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है, कितना अच्छा कलर आया है इसका खिचड़ी का, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। ये चावल दाल सब गल चुके हैं, देख सकते हैं आप, और खिले खिले भी हैं। मैं आपको कीमा भी दिखाऊंगी, कीमा भी गल चुका है इसमें। एक सीटी आने के बाद, हमने दूसरी आने से पहले इसको बंद कर दिया था, आप देख सकते हैं ये कीमा भी गल चुका है। ये हमने 2 चम्मच देसी घी गरम कर लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसमें हम ये ब्राउन प्याज डालेंगे, इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से। इससे हमारी कीमे की खिचड़ी में, सारी कीमे की खिचड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसको डाल देंगे चावलों के ऊपर। तैयार है हमारी अचारी कीमे की खिचड़ी। आप इसको हमारे तरीके से बनाएंगे, हमारी पूरी वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी, आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर दिया है इसे। इसको हमने लेमन से गार्निश किया है। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।